सरकार ने झूठे मुकदमे ला रखे हैं। आज इसलिए सारी कंडेला गांव की सोनिया का समर्थन में इकट्ठी हो रही है, सारी जितनी है आ रही है, न्यू कह रही है, ये भी बोल देंगी फिर, मतलब जाए ये झूठे मुकदमे वापिस नहीं लिए ना सरकार ने, तो फिर मैं उनके थाने का घेरावा करेंगी, सारी महिला करेंगी। लेकिन एक लड़की का ऊपर उन्हें मुकदमा दर्ज कराया और वो भी झूठा कराया है, ये हमारा पसंद नहीं होगा। सरकार ने जमा सीधी चेतावनी देवांगे, हमें जमा कदी जी जानकर, ये महिला है, सारी महिला शक्ति एक लड़की का ऊपर गलत प्रचार करकर गलत मुकदमे लाए है ना सरकार ने, ये कहता 3-4 दिन का भीतर भीतर झूठे ले लेगी, और नहीं तो फिर ये महिला की आवाज इतनी है सरकार पर समय भी नहीं है कि फेरे ले जा तभी बोलो बेबे मोदी ना तो नहीं देगी नहीं छोड़ो तभी तो वे सारी सर मतलब सोनिया का समर्थन मारी होगी सारी आस्था जो है सब तक पाया सोनिया का मान सोनिया छुटाने के लिए इतना तैयार था नहीं छोड़ेगा मैं घेरा करांगे सारी कंडेला काम की है ये सारी सोनिया ने तो बहुत मिली हुई है सोनिया इनसे मिली हुई है हाँ सोनिया गिरफ्तारी होगी तो सोनिया भी साथ में होगी भाई राम राम सभी भाइयों ने सारे किसान भाइयों ने जय जवान जय किसान साथियों आप सभी ने मेरा भाई जो चंडीगढ़ पुलिस ने दो दस बाजवा सोनिया मान जो है उनको ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करे हैं क्योंकि जो सोनिया थी हमारे हरियाणा के किसान भाइयों के साथ में थी जो गवर्नर घेराव करने के लिए सभी किसान हरियाणा पंजाब के इकट्ठे हो गए चंडीगढ़ के लिए निकले थे तो हमारे किसान भाई पंचकूला थे और सोनिया हमारे साथ में थी तो सरकार झूठे मुकदमे लगाने का काम कर रही है। देखो भाई मुकदमों से हम नहीं डरते, अगर मुकदमा जायज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़े हैं भाई किसी ने नहीं कहा मुकदमा वापस लोगे लो क्योंकि अंदर में मुकदमे होते हैं और मुकदमे हमारे ऊपर पहले भी हो रहे हैं भाई मुकदमे कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन ये मुकदमे भाई झूठे हैं बिल्कुल क्योंकि जो आदमी वहां पर नहीं है जो व्यक्ति पंचकूला के अंदर है वहां पे चंडीगढ़ के अंदर उसके ऊपर कैसे मुकदमा पड़ता है भाई उसने चंडीगढ़ के अंदर हिंसा किस तरीके से फैला दी क्योंकि लगातार सरकार तानाशाही कर रही है क्योंकि लगातार सोनिया मान जो डिग्री बॉर्डर पे हमारे साथ में बैठी हुई 7 महीने से है तो इसे ना लेकर भाई आज कंडेला गांव में ताई की पूरी टीम या महिला शक्ति इकट्ठी हो रही है क्योंकि देखो भाई वह 6 महीने से है किसान बोल के बैठी वहां पर बैठी किसान भाइयों के लिए तो हमारा फर्ज बढ़ता है सरकार उनके साथ में जो तानाशाही कर रही है सरकार ना वैसी थी सफल शब्द में चेतावनी है और सुप्त मोर्चे से भी आह्वान है कोई मजबूत डिसीजन लो। आज ही तो भाई देखो ये सरकार आज है जो लोग हैं अगर झूठे मुकदमे लगाओगे हम उन खातर बाजरे उठावांगे तो भाई लड़ने वाला कौन है। ये पंजाब के जो सिंगर हैं भाई हौसला बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं बॉर्डर पर बदरे दिन तक बैठे हैं तो ये सारे किसान भाइयों का हौसला बढ़ाओ है अपने किताब का माध्यम से किसी तरीके तो सेवा दे आंदोलन में तो सारे भाइयों ने आवाज उठाओ भाई ज्यादा ज्यादा आज ये बाकी ताई इकट्ठी हो रही है ताई ये बताओ कि कंडेला की चेतावनी सरकार ने क्या करना है एक क्रांतिकारी गांव है और हमारी तो एक क्रांतिकारी औरत इतनी है मतलब और भारत की तो आदमी और हमारा कंडेला गांव की महिला इतनी मजबूत है लेकिन जड़ा भी अटकी ना ये उल्टी नहीं क्या कर दी है सरकार ने भी बेरा है और मतलब प्रशासन ने भी बेरा है फिर वह बात फिर कहूँ मैं वो प्रशासन है हमारा 2002 में आड़ का बाजा था देख लिया इखा में जाकर ने कब से बदले थे उनने भाई जाकर ठीक है और ये महिला बदान वाली थी उन्हें आज वो मूर्ति खड़ी है देख लो सारी 2002 में सारी जमा करती है जितनी मजबूत एक नेता काम एक ही सारा जो मतलब फैसला ले लिया ना ये उल्टा नहीं क्या करता यू कर कर रहा कर ठीक है। और रही कंडेला गांव की मैं सोनिया की ताई हूँ मनवा गोद ले रखी है तो कंडेला गांव की तो वाइफ बेटी है और उसके लिए हम तो जान भी दे सका उसकी हिम्मत के देख लिया था सोनिया का नहीं उदन भी कही थी मैंने सोनिया का नहीं बोल रखा गया ना प्रशासन वाले ठीक नहीं रहोगे ईंट का ईंट बढ़ा जाएंगे जय जवान जय किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता महिला शक्ति जय जवान जय किसान भाई जितनी जल्दी हो सका
जिस तरीके से मुकदमे वापिस टुवाने के लिए थे अपने हिसार के लिए थे, तो भाई बीजेपी सरकार ये जो चंडीगढ़ वाले मुकदमे हैं उनको भी वापिस लेने का काम करे। हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान चंडीगढ़ में भी भाई बहुत भारी प्रदर्शन करेगा आने वाला टाइम पे, और यहाँ पे भी जो फैसले लिए गांव के पंचायतों में करके, क्योंकि ये लगातार दुखे मुकदमे लगाने लायक रहे हैं, ये जल्दी जल्दी वापिस ले होना सरकार से यही विनती है भाई। जय जवान जय किसान जय भाईचारा, राम राम भाई। और बाकी देख लो भाई, ताई और पूरी इकट्ठी हो रही थी आज, और छोटी सी पंचायत पर ताई ने छोटे एक दिन बाद कल सांझ ने ताई ने प्रोग्राम बना रहे भाई, बड़ा प्रोग्राम भी होंगे, बड़े लोग भी इकट्ठे होंगे, आज तो महिला महिला हो रही थी, आगा देख लियो भाई। हमारे कंडेला गांव के 28 गांव है, 28 गांव की महिला हमारी इतनी क्रांतिकारी है, बहुत बड़ी आज हमारे गांव गांव की हो गई, फिर हमारे खाकी भी हो गई, गांव की भी कौन है सारे की भी हो गई, फिर हमारी हो गई, फिर हमारा भी आने की भी हो गई, बड़ी सी आई है बहुत ज्यादा, राम राम भाई सरकार है, अब आ जाएंगे सरकार में, बस बोल दे इसमें किसने, राम राम भाई सरकार है।